Another crucial development is about the fireworks over the three criminal amendment laws. The confrontation between the government and the opposition is in fact likely to escalate further with the tabling of these three criminal amendment laws. The Home Minister Amit Shah said that the previous bills were withdrawn and three new bills were introduced as a few changes were required to be made. Now Shah further said that bills had been examined by the standing committee and instead of coming with official amendments, it was decided to bring these bills again. Now, the opposition had given a dissent note in the parliament committee on these particular bills. Congress MP Adhir Ranjan Chaudhary on one hand suggested that the bills should be scrutinized further before turning them into a law. Meanwhile, southern parties like DMK have objected to the Hindi name of these bills. Maniya Vipaks ke neta ne jo sawal aaya, ye tino vidhayakon ko मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया था और फिर उसको गृह विभाग के मामले की स्टैंडिंग कमेटी को विचारार्थ भेजा था। इसमें ढेर सारे सुझाव समिति ने कर विधेयक को वापस भेजा था। जो समिति ने सुझाव दिए थे उसमें से बहुत सारे सुझाव स्वीकार किए हैं सरकार ने, तो इतने साले सारे ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने की जगह पुराना विधेयक वापस लेकर नए विधेयक को मैंने पुरस्थापित किया है। इस हेतु पुराना विधेयक वापस लेकर नया विधेयक, मैं सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, आज चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा परसों होगी। आप आराम से स्टडी करिए और जो बदल हुआ है वो ज़्यादातर ग्रामेटिकल एरर का बदल है, फुल स्टॉप कॉमा का बदल है और कुछ तीन चार धाराओं में बदल हुआ है। मूल विधेयक तो जो था वही है, फिर भी आपको 48 घंटे अध्ययन के लिए जरूर मिलेंगे, इसलिए मैं आज पुरस्थापित कर रहा हूँ। कल नहीं है इस पर चर्चा, परसों करेंगे और परसों जवाब भी नहीं होगा, मतदान इसके बाद वाले दिन पर होगा, तो पर्याप्त समय सभी सदस्यों को इस पर विचार करने के लिए मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन है, हम भी हड़बड़ी में इसको पारित करना नहीं चाहते। मंत्री जी, मैं ये कहना चाहते हैं कि आप इतने सारे संसदों स्टैंडिंग कमेटी लाए थे जिसके चलते आपको ये लगा कि ये सारे विड्रो करके फिर नए तरीके से बिल पेश होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो बिल की जो दायरा है और इसके जो जो समस्याएं हैं, जो जो बिंदु इसमें शामिल होना चाहिए, इसमें बहुत सारे तर्क है सर। तो इसलिए मैं कहता हूँ सर, इसलिए ये ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में इसको नो,